लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए मुंशी, क्या पागल होगा जो अपने गाल पे मारा जा रहा हूँ? मैं हूँ जो गाल पे मार रहा हूँ। कोई और होता तो इन पे फिदा होकर इनके आगे पीछे घूमकर न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या मारता। आगे से चंद्रमुखी, पीछे से पारू दिखती हो। मोहल्ले के सारे लड़के देवदास बन के तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगे। डोला रे डोला रे मन, डोला रे डोला। देवदास की कहानी सुना रहा था। वैसे तू सही कह रहा है, दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, पर कोई ईश्वर के सामने नाचता है? कंट्री लोग तो हम हैं, जो ईश्वर के सामने नाचते भी हैं, नचाते भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूजा करते भी नाचते हैं, दारू पी के भी नाचते हैं। ठीक है सिस्टर, ये गेटअप? ये गेटअप नहीं, सेटअप है। भैरव ने क्या कहा था? उस छोटी चुड़ैल को मारने के लिए कहा था ना। टीवी की तरह बात करने वाली छुटकी को उसकी सगी माँ के हाथों मरवा दिया तो वो कैसे? राजेश्वरी। दीदी, आप इस तरह? यकीन नहीं हो रहा है ना? वैष्णो देवी के नाम पर मैं व्रत रख रही हूँ। हाँ, ये चामुंडेश्वरी माता के मंदिर का प्रसाद है, इसे ले जाकर अपने हाथों राधा बेटी को खिला दो। हाँ दीजिए। ये लो बेटी, चामुंडेश्वरी माता का प्रसाद। ओ, चामुंडेश्वरी माता का प्रसाद। क्या देख रही हो? ले लो बेटी। जल्दबाजी मत करो। ओफो, ये क्या बेटी, माता के प्रसाद में नीम की पत्ती डाल दी। नीम की पत्ती से ये और भी पवित्र हो जाता है, ये क्या तुम नहीं जानती? वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा डाल दी, कड़वाहट होगी ना। ये पत्ती कड़वी है, लेकिन अब ये कड़वाहट निकाल देगी। अरे रे, ये क्या बेटी, हरी पत्ती तो नीली हो गई। इसकी कड़वाहट मिट गई है, अभी दे दो, पी लेती हूँ। उसे मरने के लिए जहर देकर आप दोनों इत्मीनान से बैठे हुए हैं, मुझे टेंशन हो रहा है। अच्छा, मरने की आवाज नहीं आ रही है? ए, मरने के बाद आवाज कैसे आएगी? मरने के बाद आवाज तो नहीं आएगी, पर उसके माँ की रोने की आवाज आएगी, वो नहीं आ रही है ना? वो आ रही है। लाश? बच्ची। सुना है जहर पीने से नीले हो जाते हैं, ये तो पीले होकर आ रही है। चामुंडेश्वरी माता का प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट था, जहर देने के बाद भी मैं जिंदा कैसे, यही सोच रहे हो ना? उस जहर को नीम के पत्तों ने खत्म कर दिया, तुम लोगों को देवी माँ खत्म करेगी। जहर खाकर भी बच्ची नहीं मरी? जहर की बात छोड़ी है, एटम बम निकल कर भी टकार मार सकती है वो बच्ची। वो बच्ची नहीं है, छोटी चुड़ैल है। पार्टनर, उसे लॉजिक से नहीं मार सकते, तुम्हारे मैजिक से ही मारना होगा। फिक्र मत करो, शत्रु संहार यज्ञ करके उसे मिटा के रख दूंगा। साहब जी, उस यज्ञ के लिए क्या देना पड़ेगा? नर बलि देनी होगी। ओहो, तू जाएगा? हाँ?
तेरे मन में तूफान, इसलिए मेरे पाँव में दूध की नदी। माता का अभिषेक करने के लिए दूध लेके आई, वो मैंने तेरे कदमों में डाल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूध जहाँ बहना चाहिए वही बहाया है। क्या कह रही है? अरे परेशान न हो, मैंने कुछ नहीं कहा बाबा। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तुम्हें जो पसंद है नींबू चावल, दही चावल जैसे सभी स्वादिष्ट मिष्ठान है, मन करे तो खा लो। ये सब मैंने तो नहीं मांगा ना। क्या, मांगने से देना चाहिए, सबको खिलाने वाली हूँ मैं। मुझे अन्नपूर्णी कहकर भी बुलाते हैं, तुम जानते हो ना। इतनी सी छुटकी है लेकिन बातें सब बड़ी बड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ले जाओ। ये अच्छा है बाबा, अच्छा है इसीलिए खाने को कह रही हूँ। कहो तो मैं टेस्ट करके खिलाऊंगी। टेस्ट करेगी? ये क्या हो रहा है? वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब तू जानती है, तू है कौन? मैं कौन हूँ? स्वयं दुर्गा देवी बच्ची के रूप में आई है सोचकर आश्चर्य हो रहा है। असुर संहार मासूम बच्ची द्वारा होने की नियति है, उसे कौन बदल सकता है। ये क्या माँ, मैं खुश थी कि तू मेरे लिए आई है, लेकिन तू उन पापियों को मारने के लिए ही आई है। क्या किया जाए, प्यार और बदले की भावना दोनों एक ही दिल में बसे हैं। अच्छे लोग और बुरे लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। माँ तू क्या बोल रही है? तू भोली भाली मासूम है, इस षड्यंत्र की बातें तू नहीं समझेगी, लेकिन इतना वादा करती हूँ पल भर के लिए भी मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, सदैव तेरी परछाई बनकर तेरे साथ ही रहूंगी। मैम साहब, क्या है मैम साहब? पूजा के सामान इस तरह बिखरे क्यों हैं? भगवान की फोटो कहाँ है? वो बड़ी मालकिन ने कचरे में फेंक दी। क्या, भगवान की फोटो कचरे में? कचरे में ना फेंक कर मंदिर बनाकर घंटी बजाऊं? मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग की जगह दुर्गा की मूर्ति थी, इसलिए फेंक दी। इस घर में मेरी एक ही खुशी थी, पूजा पाठ करना। आपने ऐसा क्यों किया? माता की मूर्ति के बिना मैं पूजा कैसे करूं? ईश्वर तो कण कण में है, मिट्टी में है, पेड़ पौधों में है, ऐसा कहते हैं ना। बाहर गार्डन में जाओ, मिट्टी में देवी माँ है समझकर प्रणाम करो, नहीं तो पेड़ को बिंदी लगाकर पूजा करो। अरे देखती क्या है, जाओ। मंदिर में बसने वाली तू ही नीम में भी रहती है सुना है, आज मैं जान गई ये सच है। अपनी आंखें खोलकर तूने मेरी आंखें खोल दी, आज से मैं तेरी पूजा यही करूंगी। Thank you.
लगता है भक्ति सिर के ऊपर चढ़ के तू पागल हो गई है जो दुनिया भर के पेड़ पौधों की पूजा कर रही है। ये पेड़ नहीं है जी, देवी माँ है। जैसे कि माता स्वयं सामने आई हो, अभी इस पेड़ ने अपनी आंखें खोली थी। क्या कहा? ए, तुझे किसी पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। दुनिया में आदमी लोग आंखों के बिना अंधे बन के घूमते, तू पेड़ की आंखों की बात करती है। क्यों ऐसी बातें करते हैं? देवी माँ की आंखें इस पेड़ में है, मैंने खुद देखा। थोड़ा रुकिए, माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए खीर ले आती हूँ। मुझे अभी तक एक कप चाय नहीं दी, नीम के पेड़ को खीर खिलाएगी। नीम के पेड़ की आंखें कह रही थी, क्या किया जाए। हो सकता है वहां से गायब हुई वो आंखें इस पेड़ में आ गई हो। पगली ने कंफ्यूज कर दिया। ए! ये पेड़ काटो। बदन पे घाव? कुछ नादान लोग मुझे काटने की कोशिश कर रहे हैं। देवी माँ, तू नीम के पत्तों को देवी माँ समझती है, लेकिन कुछ लोग दुर्गा देवी को ही सिर्फ पेड़ समझते हैं। उन पापियों को यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उसका पुराना हिसाब ही पूरा नहीं हुआ, उस पर ये नया हिसाब कहाँ जोड़ूं? ए, इतनी देर में तो 10 पेड़ काट सकते थे और तुमने अभी तक एक डाल भी नहीं काटी। डाल तो छोड़ी, छाल भी नहीं काटी जा रही है। ये पेड़ है या पहाड़ पता नहीं चल रहा है। भाग, भाग। चलो घर चलते हैं, तुम्हारे घाव में मरहम लगा देती हूँ। मरहम मेरे लिए? पगली कहीं की। अब देखो, कैसा चमत्कार है, दवा लगाए बिना ही तुम्हारे सारे घाव गायब हो गए। दवा मैं हूँ, मुक्ति भी मैं हूँ, जीवन देने वाली भी मैं, उसे उठाने वाली भी मैं ही हूँ। पूरी तरह संपन्न हुआ, शत्रु संहार यज्ञ पूरा हुआ, मांत्रिक तलवार भी मिल गई। उस तलवार से उस बच्ची को आसानी से मार सकते हो। ठीक है, लेकिन मांत्रिक तलवार कहाँ है? साइकोफिन सिटोफोबिया राधाबिटिया.com। क्या मतलब? ध्यान कर रही है, ये बात मैंने जापानीज भाषा में कंप्यूटराइज करके बोला। अरे चल, ये अपनी आंखें खोले उससे पहले ही मांत्रिक तलवार का एक ही वार, छुटकी चुड़ैल क्लोज। ये क्या है, एक सिर काटा तो 5 सिर वाला सांप फनफना के नाच रहा है। ब्रदर, ये कैसी माया है? रुको, नाग शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाया, अब इस तलवार का चमत्कार मैं दिखाता हूँ। तलवार गायब। ओह, मैं इधर का रहा ना उधर की रही। मैं इस हालत में अगर बाहर जाऊंगी तो मोहल्ले के लौंडे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ए मुंशी, मुंह बंद कर, तू तो फिर भी ठीक है, साले सेक्सी बन गया है। जरा मेरी तरफ देख, इस कमीज से तेरे पसीने की बदबू आ रही है। अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, भैरव को बुलाना ही पड़ेगा। भैरव, ए, ए,
उस भैरव की वजह से सर बच गया, यहाँ रहेंगे तो और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। चलिए निकलते हैं। जो मंत्र शक्ति से नहीं कर सका उसे बुद्धि शक्ति से करना होगा। जो लड़की घर आ गई है उसे शमशान घाट भेजूंगा। यहाँ बड़े बड़े भाषण झाड़ते हो, वहां जाके झाड़ू मारना पड़ता है। अरे भैरवी, छी, अरे भैरव, क्या करने जा रहे हो, साफ साफ बताओ। हाँ, इस रूप में जाऊंगा तो काम नहीं होगा, ये तो सबको पता है ना। मुझे रूप बदल के जाना होगा। गुड, अच्छा आइडिया है। तो किस रूप में जाओगे? जिस रूप में जाने से बच्ची का मन जीत सकते हैं उस रूप में जाऊंगा। ये क्या, गंजे सर पे बाल उगाए हैं? अरे बाप रे, ये रंग रूप देख के मेरे मन में भी कुछ कुछ हो रहा है। बहुत खूब, इस रूप में जाओगे तो वो छुटकी जरूर धोखा खा जाएगी। मैं भी धोखा खा गया। शर्म। छुटकी अभी घर में अकेली होगी, यही सही समय है, जल्दी जाओ। मैं विजय होकर आता हूँ। अरे तू कहाँ चली? मुझे ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद तेरे पास आ गई हूँ। अब क्या करने वाली हो? नमस्ते ही, तुझे मुक्ति मिल जाए। नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते। ये क्या पार्टनर, फोन करने के लिए गया, हाथ जोड़कर आ गया? गया था तूफान बनके उसे मिटाने के लिए, उसे देखते ही हाथ जोड़ के प्रदक्षिणा करके आ गया। क्या उसके सामने अपनी मंत्र शक्ति भूल गए? न जाने क्यों दुर्गा का रूप धारण करते ही उसे मारने का मन नहीं किया, हाथ जोड़ने का मन किया।